Hello, sir. Hello, Yash. How are you? I'm fine. What about you? Yes. Yes, I cannot see in your video. So please, can you start your video, please? Yes, I can see you now. Yes. Okay. Yes, please introduce yourself. My name is Patel Yash Yatin Kumar. Okay. I'm just passed the 12th science. Okay. And I'm preparing for IELTS. Okay, great. So 12 science with mathematics or biology? With maths. Maths, okay. So which country, yes, are you looking for going in abroad? Canada. Canada, okay. So yes, tell me your questions. What kind of questions or help you need from Care Immigration and Visa Services? I search many colleges and universities. Okay. So like George Brown College, Seneca College, yes. Red River College, McGill okay. University. Okay. So which college I go there? Means कौन सी college में मैं अच्छे से हाँ सही बात है. Yes, very good. और आपको क्या करना है 12th के मैथमेटिक्स के बाद? कौन सा कोर्स आप इंटरेस्टेड हो? कंप्यूटर इंजीनियरिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो पहला तो यस, आपने तकरीबन 16-17 इयर्स की एज में बहुत ही अच्छा आपने वो रिसर्च किया है, क्योंकि आपको ओंटारियो और सस्काचुआन, मनीटोबा, वहाँ की कॉलेज के बारे में आपको मालूम है. ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर और आईटी दोनों कोर्स के लिए आप इलिजिबल हो. ठीक है, उसमें से कोई भी कोर्स आप कर सकते हो. कंप्यूटर्स में दो तरीके के बेसिकली कोर्स होते हैं. एक होता है हार्डवेयर साइड का कोर्सेस, हार्डवेयर यानी जो चीज हमको कंप्यूटर में दिखती है. ठीक है, दूसरी चीज आती है कंप्यूटर के प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर साइड, जो चीज हमको नहीं दिखती है फिर भी उस पर हम काम कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर के लिए आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट अगर होता है तो सॉफ्टवेयर के लिए वो चीज आपको समझने में आसानी रहेगी. ठीक है, अगर आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप सॉफ्टवेयर साइड ले सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग आता है, कोडिंग आता है ना, हाई लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आता है. तो ये सारी चीज आपको मैथ्स होने के कारण अच्छी तरह आप हैंडल कर पाएंगे. ठीक है, तो कंप्यूटर हो गया आपका, उसके अंदर दो मैंने पार्ट बताया आपको. कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर साइड बताया आपको, कंप्यूटर का हार्डवेयर साइड भी बताया. ठीक है, साथ में अभी यश दो चीज बहुत फेमस चल रही है कंप्यूटर आईटी में, वो है नेटवर्किंग. ठीक है, जैसे हम किसी भी एंटरप्राइज में जाते हैं, हम कोई भी तरीके का अगर काम करते हैं, बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, कोई भी सुपरमार्केट देख लीजिए, जहां पर एक से अधिक कंप्यूटर होता है, एक से अधिक चीज होती है. ठीक है, तो उसको नेटवर्किंग की जरूरत होती है. तो नेटवर्किंग की बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसको भी आप कनाडा में सर्च कर सकते हो. ठीक है, और आपके लिए आइडियल इंटेक रहेगा जनवरी 22. ठीक है, आप जनवरी 22 के लिए बहुत अच्छा प्लान कर सकते हो. उसके लिए आईएलएस आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी. और आईएलएस जैसे सबको मालूम है, ज्यादातर बच्चों को, फिर भी मैं बता देता हूं, आईएलएस की एग्जाम हर एक महीने में 3 से 4 दफा दी जाती है, तो उसकी अवेलेबिलिटी का भी कोई इश्यू नहीं है. आपको इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना रहेगा. उसके थ्रू जैसे आप बैंड बढ़िया लाएंगे, जैसे आपने 6 बैंड ला दिए, 6.5 ला दिए, 7 बैंड ला दिए, तो आपका जो रेड रिवर कॉलेज आपने बताया, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कनाडा, और दूसरी भी सारी कॉलेजेस इक्वल है जो आपने बताई, जॉर्ज ब्राउन, सेनेका, शरीडियन, तो ये सारी कॉलेजेस यस गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है, मतलब सारी कॉलेजेस एसडीएस के अंतर आती है. सारी कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वर्क परमिट का पूरा बेनिफिट दिया जाता है. ठीक है, तो आपकी सारी कॉलेजेस बढ़िया है जो आपने सर्च की है, सारी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है. तो ये कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए आपको आईएलएस में ज्यादा से ज्यादा बैंड लाने होंगे, तकरीबन 6.5 और अबव बैंड लाएंगे तो आपका एडमिशन पास होने का चांसेस बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये रहेगा आपका कोर्सेज का इंफॉर्मेशन, इंटेक आप कर सकते हो. और कोई क्वेश्चन है यस आपके पास? स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या होगा? वेरी गुड. जैसा मैं और भी मेरे स्टूडेंट्स को इस माध्यम से बताता हूँ, स्कॉलरशिप्स वैसे जनरली 3 टाइप की होती है. यस, ठीक है. पहले टाइप, अगर आपके पास नोट और पेन और पेपर है तो आप लिख सकते हो. स्कॉलरशिप्स पहली होती है एंट्री लेवल स्कॉलरशिप्स. ठीक है, एंट्री लेवल स्कॉलरशिप में क्या होता है यश, अगर आपके एकेडमिक में 65% है ट्वेल्थ में, तो मेरे ख्याल से आप इसी साल ट्वेल्थ में हो शायद, राइट? हेलो यश, ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया सर. अच्छा, आपका रिजल्ट आ गया कि बाकी है अभी? नहीं, बाकी है अभी तो. मतलब आप 2021 में हो, राइट? हाँ. अभी रिजल्ट आएगा ना आपका बेटा, तो शायद रिजल्ट आने में 1 या 1.5 महीना अभी आएगा. हाँ, तो आप सीबीएसई बोर्ड हो के गुजरात बोर्ड से हो? नहीं, गुजरात बोर्ड. ओके, ग्रेट. तो यस, तो आपका रिजल्ट आएगा अभी. ठीक है, तो उन्होंने मास प्रमोशन दिया है या फिर कैसे वो आगे जाके बताएंगे अपने को. ठीक है, तो क्या रहेगा यस आपके लिए, आपको पूरे का स्कॉलरशिप के लिए 3 चीज जिन्हें मैंने पहले बताया. फर्स्ट होती है एंट्री लेवल स्कॉलरशिप्स, वो मिलती है आपके इंडिया में एकेडमिक और आईएलटीएस के बेस पर. ठीक है, दूसरी स्कॉलरशिप्स होती है जो आप वहां पे जाके 1 सेमेस्टर पढ़ाई करेंगे उसके बाद आपको दी जाएगी. और तीसरी स्कॉलरशिप होती है यस प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप्स या डीन स्कॉलरशिप जिसको कहा जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फी आपकी कम हो जाती है, लेकिन वो भी वहां पर जाने के बाद आपको अप्लाई करनी होती है. तो जनरली मैंने बताया कि कनाडा में 3 तरीके से स्कॉलरशिप्स होती है. और कोई क्वेश्चंस? हाँ, अब वहाँ हम जब पढ़ेंगे कनाडा में, फिर कितने टाइम के बाद हम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, जैसे आपकी पढ़ाई खत्म होती है, आपकी ये गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप उसमें पढ़ते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दी जाती है. ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 3 साल तक वैलिड होती है, वो फ्री होती है, उसमें कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है. उस वर्क परमिट के दौरान अगर आपको वहां पर आपकी फील्ड जॉब मिलती है ना, तो वो फील्ड जॉब के बेस पर आप अपना सीआरएस या पॉइंट सिस्टम काउंट करके अपनी पीआर की फाइल आगे रख सकते हो. ठीक है, तो ये उसका क्राइटेरिया ज्यादातर रहेगा. यश, और पीआर के लिए वहाँ आईएलटीएस देनी पड़ेगी या वैसे ही है? आपको अभी आपने जो आईएलटीएस देंगे वो एकेडमिक देंगे, और जैसे आप पीआर के लिए फाइल रखेंगे वहां पर आपको जनरल आईएलटीएस दोबारा देनी पड़ेगी. ओके सर. और कोई क्वेश्चन यस आपके? वहाँ आईएलटीएस के लिए वहाँ आईएलटीएस देंगे तब कितने बैंड चाहिए पीआर के लिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चंस. तो ज्यादातर बच्चों को एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल रखते हैं, उनमें बच्चों को जनरल में ईच 6 बैंड का लेवल है, उसके बाद आप कभी भी फाइल रख सकते हो. तो ईच 6 बैंड आपको लाने होंगे, और वो भी आप 2 साल या 3 साल कैनेडा में रह के जॉब करके फील आप देते हो, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है. Each 6 बैंड आपको लाने होते हैं अब मिनिमम. ओके, और कोई नहीं सर अब नहीं. तो यस, थैंक यू वेरी मच. अगर और भी आपके पास ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज की टीम को, हमारी हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, हमारी ब्रांच ऑफिस कलोल और मेहसाणा में भी है, या फिर ऑनलाइन के माध्यम के थ्रू भी आप हमको कोई भी अपने क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकते हो. ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यस आपको ऑफिस पे आना पड़ेगा, तब हम आपको पूरा उसका ब्राउजर, उसका कोर्स डिटेल्स, कौन सी कॉलेज में कौन से कोर्स अवेलेबल है, कंप्यूटर, IT या नेटवर्किंग के लिए, वो भी सारी डिटेल हम आपको मुहैया कराएंगे. थैंक यू वेरी मच बेटा. ओके सर, थैंक यू. बाय बाय.